देख लो इसका जलवा, ये जैसा चाहे वैसा हो जाए, कभी छुप जाए नजर ना आए। दूसरी दुनिया से आया है, दुश्मन की खोज उसे लाया है, जिसने तबाही मचाया है। बोले ये सब की पोथी, ये हर रूप बदलता है, इसके पास है वो जादू, हर सच में वो ढलता है। हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रिसर्च। अब विकी, ये तो किसी राजा का महल लगता है, तेरा घर कैसे हो गया? लेकिन तुम पता लगा कि वो जो जेल में आदमी है वो मेरा हमशक्ल वो? ओ जान, तू फिक्र मत करो, मैं सब पता कर लूंगी। हो सकता है कि आर्यन किसी काम से शहर से बाहर गया हो। क्यों ज़पाटा किंग, देखो ज़पाटा की तबाही। तुम एरेंगो हो ना? इतनी उम्र होने के बाद भी तुम्हारी याददाश्त सही है ज़पाटा किंग। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? और मैं भी नहीं भूल सकता वो दिन जब तुमने मेरे बाप को मुझसे छीना और उन्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया और किंग बन बैठे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, ज़पाटा वासियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ज़पाटा वासियों ने भी तो तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी तरफदारी करने वालों को भी तो सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे दिन भी अब पूरे हो चुके हैं रेंगो, मुझे अपनी फिक्र नहीं। अगर तुम में अब हिम्मत है तो सामने आओ और मुकाबला करो। मुकाबला करने के लिए आमने सामने आने की जरूरत नहीं, आज के दौर में जो ताकतवर है वो अपनी ताकत का दिखावा कहीं से भी कर सकता है। मैं पृथ्वी पर हूँ ये तुम जान तो गए हो, और मैं ये जान गया हूँ कि तुमने भी किसी को यहाँ भेज दिया है, लेकिन वो मेरी धूल भी नहीं पा सकता। तुम्हें कैसे कैसे मालूम? मैं तो कहता हूँ किंग टोंगो, प्रिंस बोंगो की हिफाजत के लिए यहाँ से कुछ लोग पृथ्वी पर भेज दें। नहीं, प्रिंस बोंगो किंग तभी बनेगा जब वो एरिंगो को लेकर आएगा। आप लोग ये पता करिए कि एरिंगो की कौन से प्लेनेट वाले मदद कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी से इतनी दूर से ज़पाटा को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं। हम आज ही दूसरे जोन की मीटिंग बुलाते हैं। देखो पुरुषोत्तम, ये सरकारी कामकाज है और इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है, इनाम तुम्हें ही मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा इनाम मिलेगा ना? अब वो भी बगैर टैक्स काटे? मैं तो नौकरी भी छोड़ने वाला हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अगर होटल ब्लू मून के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया तो मैं तो गया काम से। घबराने की कोई बात नहीं है पुरुषोत्तम, ये राज राज ही रहेगा, और पुलिस अपने मुखबिर का नाम कभी किसी को नहीं बताती। वो सब तो ठीक है, लेकिन सब सब ऐसा है कि मैंने मैंने एक होटल देखा है तो उसमें एडवांस देना है, तो सब कुछ एडवांस दे दो ना, एडवांस देने के लिए। देखो पुरुषोत्तम, ये इनाम का मामला है और सरकारी कामकाज में सौदेबाजी नहीं होती, सारा पैसा तुम्हें एक साथ मिलेगा,
अभी तुम जाओ, जैसे ही पैसा मिल जाएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। आप मुझे बुला लोगे ना साहब? सब मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, मेरा घर, मेरी शादी, सब कुछ इसी नाम पर टिका हुआ साहब। बुला लोगे ना? हाँ बुला लूंगा, अभी तुम जाओ। ठीक है साहब। साहब मुझे बुला लोगे ना साहब? कहा ना कि बुला लूंगा, जाओ। सर साहब इंस्पेक्टर साहब अंदर हैं? जी। लड़की से शादी हो जाए तो मजा आ जाए, बढ़िया है। जी, मैं भी उन्हीं से मिलने आया था अपना इनाम लेने। इनाम? कैसा इनाम? वो आप किसी से कहेंगी तो नहीं ना? आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। अरे सुनिए तो, ये क्या, आप तो रूठ गई। वो डायमंड चोर हीरा पकड़ वाला था। ओहो, तो ये है वो बंदा। नकली हीरा के बारे में जानने के लिए इसे ही अपने इशारों पर नचाना पड़ेगा। वो होटल ब्लू मून में था, कमरा नंबर 506। और इंस्पेक्टर शाम को भी मैंने बुलवाया था। अच्छा, आपने उन्हें देखा है? हाँ। वैसे आप वहाँ क्या करते हैं? मैं वहाँ का मैनेजर हूँ, मैनेजर हूँ वहाँ का। अच्छा, हीरा अंदर ही है? हाँ। चलो, मेरा काम तो हो गया। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। आप इंस्पेक्टर शाम से नहीं मिलना चाहेंगी? नहीं नहीं, मैं उनसे बाद में मिलूंगी। वैसे मैं आपको कहीं छोड़ दूं? छोड़ सकती है, बिल्कुल छोड़ सकती है। वैसे इनाम मिल जाने के बाद मेरी खुद की गाड़ी भी आ जाएगी। श्योर, तो चले। आपको भला मैं कैसे ना कह सकता हूँ। चलो। बाय द वे, आई एम मीना। हम पुरुषोत्तम चौरसिया। मैं कब से तुम्हें कांटेक्ट कर रहा था, कहाँ हो तुम? मैंने एक गलत आदमी का रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुझे जेल में आना पड़ा। क्या? लेकिन तुम तो बड़ी आसानी से निकल सकते हो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो। निकल तो सकता हूँ, लेकिन मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ जिसका रूप मैंने लिया। ओ, यहाँ की पुलिस उसे तलाश कर रही है। तुम जिस काम से गए हो पहले वो करो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि एरेंगो को पता चल गया है कि कोई उसे तलाश करने के लिए पृथ्वी पर पहुंच गया है। क्या? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि वो मेरे पास आते आते निकल गया। वो बचेगा नहीं, आपको कैसे? उसने पहली बार मेरे ट्रांसमिशन पर मुझसे बात की, उसने फिर यहां तबाही मचाई। मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा किंग टोंगो। मुझे ऐसा लगता है कि उसके कुछ और भी साथी हैं, और ज़पाटा के आसपास के प्लैनेट वाले भी उसका छुपकर साथ दे रहे हैं। तुम उसे पृथ्वी पर जल्द तलाश करो। मैं ज़पाटा के आसपास के सारे प्लैनेट्स पर अपने वफादारों को भेजता हूं। मैं बाद में बात करूंगा, अपना ख्याल रखना। इसका एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि इसका दिमाग चल गया है, इसे पागल खाने में एडमिट करवाना होगा। बट नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, वैसे एकदम ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब, आपके कहने के मुताबिक मैंने हीरा को दूसरी सेल में शिफ्ट किया, इसके बावजूद इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वेरी गुड, लेकिन
देखो देखो इसकी हरकत के पहले से कुछ बेहतर है। मेरा 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये कहता है कि हीरा को देखते ही इसकी कुछ तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। नहीं लेकिन कल मुझे इन दोनों को कोर्ट में हाजिर करना है। लो हीरा आ गया। देखा देखा हीरा की आते ही इसकी तबीयत कितनी खराब हो गई। ले जाओ इसे। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरा ने आनंद ढोलक को डायमंड्स के बारे में बता दिया हो और उसको सुन के इसका दिमाग फिर गया हो। लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि मैं कल के लिए क्या करूं। हीरा कल कोर्ट जाएगा आपके साथ और ये जाएगा मेरे पागल खाने। हमें अपनी जान पे खेलकर बॉस को बचाना होगा। यस, हम यहाँ आराम में और हमारे बॉस लफारिस हो गए। मतलब बोल पानी मतलब हम मर्द हैं और मर्द की आंखों में आंसू पानी के नहीं खून के होने चाहिए। और ये खून के आंसू अब पुलिस वालों की आंखों में होंगे। बॉस कल पुलिस बॉस को अदालत नहीं ले जा सकती। कल हम बॉस के साथ हीरा को भी छुड़ा लाएंगे। समझे? My God, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम सच कह रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुमने हीरा को ब्लू मून होटल से पकड़वाया और इस वक्त वो इंस्पेक्टर श्याम की हिरासत में। मैं जानता हूँ आप तो आजाद हैं, यहाँ हैं। तो मेरा इनाम गया सो गया, मेरी नौकरी समझो चली गई। मैं लालच में आ गया था। मेरा घर, मेरा फ्यूचर, मेरी शादी, मेरा करियर, अब सब कुछ तुम पर कुर्बान। बख्श दो मेरी जान। जानू ये सच कह रहा है, प्लीज इसे माफ कर दो। ठीक है जानू, तुम कहती तो मान लेते। कुछ दिनों के बाद हम हिंदुस्तान से आजाद हो जाएंगे, तब इसे भी आजाद कर देंगे। लेकिन तब तक अदला चलो। हीरा बोल रहा हूं। हाँ? आपने पुलिस को चकमा दे दिया, बच गए आप। आपको पता है ये सब पुरुषोत्तम ने किया है। सुधा तुम आनंद ढोलक को पागल कर, फाइल डॉक्टर को दे देना। मैं हीरा को कोर्ट ले जा रहा हूं। ओके सब कुछ मिल जाएगा। हम आ गए हैं माय बाप। चलो चलो बॉस, चलो बॉस जल्दी भाग चले।
ऐसे उदास रहने से प्रिंस बांगो मिल तो नहीं जाएंगे लायला। कहां कहां नहीं ढूंढा हमने उनको। आखिर प्रिंस बांगो हमें बगैर बताए गए कहां? ये तो कोई नहीं जानता। राजमहल वालों ने भी साफ साफ कह दिया है कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। हम उन्हें ज़पाटा के आसपास के इलाकों में क्यों ना तलाश करें? अगर तुम्हें इस तरह शांति मिलती है तो चलो, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं अपना स्पेस शटल लेकर आता हूँ। ज़पाटा के पास नरेगो है, वहाँ चलते हैं। तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ ना उठाओ। तकलीफ कैसी लायला, इतने दिन गुजर गए, हमें भी प्रिंस की फिक्र है। क्या हम किसी तरह से किंग टोंगो से नहीं मिल सकते? इतना आसान नहीं इनसे मिलना। कहो तो उनके एडवाइजर से मिले, मेरे जानने वालों में से हैं। हाँ, तो पहले उनसे मिलकर मालूम करते हैं। ठीक है, मैं उनसे टाइम मांगता हूँ। इनसे कुछ पता नहीं चला तो हम खुद नरेगो जाएंगे। हाँ। देखिए जनाब, हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, क्या कर क्या रहे हैं आप? पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि हीरा और आनंद ढोलक के लोग उन्हें यहाँ से छुड़ा कर ले गए और आप कुछ नहीं कर पाए, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे सिर्फ। देखिए, उन लोगों ने अचानक हमला किया कि हम संभाल ही नहीं सकते। जब आप लोग भी सेफ नहीं है तो पब्लिक की क्या गारंटी देंगे आप? देखिए, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द आनंद ढोलक और हीरा को सलाखों के पीछे पहुँचा दूँ। आपको यकीन है कि इतने बड़े शहर में आप उनको ढूंढ लेंगे? डेफिनेटली। ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। सोच लीजिए, आई विल कोट यू ऑन दैट, अंडरस्टैंड? ये क्या रे? कहाँ रहे तुम इतने दिन? सब कितना परेशान थे तुम्हारे लिए। अरे कम से कम कहकर तो जाते। पता है रोक ने कितने चक्कर लगाए तुम्हारे रूम के, पर तुम्हारा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तुम लोग ये सवाल पूछने बंद करोगे प्लीज? अरे ऐसी बात नहीं है, हम सबको तुम्हारी फिक्र है यार। अरे मत करो मेरी फिक्र प्लीज, तुम लोग मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिन मैं रहा कहाँ। क्या? अरे उस दिन जब हम पुलिस स्टेशन गए थे हीरा को देखने के लिए, तुम ही बिना बोले वहां से भाग गए। मुझे कुछ याद नहीं, मेरी जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों? मुझे नहीं मालूम, मुझे बस इतना याद है कि जैसे ही मुझे होश आया मैं यहाँ चला आया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं कितने दिन हॉस्पिटल में था और क्यों था। लेकिन हॉस्पिटल वालों को तो पता होगा कि तुम्हें वहां पर कौन और क्यों लेकर गया था। मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल जाकर पता करना चाहिए। नहीं नहीं, पहले मुझे याद करने दो कि मुझे हुआ क्या था। ठीक है, तुम जाकर आराम करो, हम हॉस्पिटल बाद में भी जा सकते हैं। हाँ अरुण, रॉक तुम्हें छोड़ देगा। समझ में नहीं आता आर्यन को वो क्या गया। शायद वो आ गए। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा, इसका मुझे खेद है। ऐसा ना कहें, इतने बिजी होने के बाद आपने हमें टाइम दिया। ये मेरे दोस्त हैं लाला और ये है जूबी। हाँ हाँ जैबी, तुमने बताया था रेस में तुम सब प्रिंस बांगो की टीम में हो। जी ये तो प्रिंस बांगो का बड़प्पन है जो उन्होंने हमें चुना। कैसे आना हुआ? प्रिंस बांगो कितने दिनों से प्रैक्टिस पे नहीं आ रहे, वो ठीक तो हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ा काम में व्यस्त हैं। हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमारी राजमहल तक पहुँच नहीं है, लेकिन लाला एक बार राजमहल तक पहुँची थी, पर पहरेदार ने इसे बताया कि प्रिंस यहाँ नहीं है। तुम्हें राजमहल नहीं जाना चाहिए था लायला, सुरक्षा कर्मियों को हुक्म है कि राजमहल के आसपास कोई नहीं आए। सर हम क्या करते, प्रिंस बांगो की फिक्र ही लायला को राजमहल तक ले गई। प्रिंस है कहाँ? वो जहाँ भी है ठीक है,
उनकी चिंता ना करें, कुछ सीक्रेट मिशन है जो हम नहीं बता सकते। सर, ज़पाटा पर अभी जो विपत्ति गुजरी है, क्या उसकी वजह से प्रिंस बोंगो की सुरक्षा बढ़ी है, जिसकी वजह से वो हमसे नहीं मिल रहे हैं? उन्हें कहीं और भेज दिया गया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है जैबी, सॉरी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वो जहां भी है बिल्कुल ठीक है। मैं चलूं? जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। हीरा, आपको क्या हुआ है? मेरे ख्याल से ये पागल हो गए। तुम्हें कैसे पता? वो जो पुलिस स्टेशन में डॉक्टर आया था ना, उसने बताया। हाँ, उसी डॉक्टर को बुलाकर बॉस का इलाज करवाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे लगता है बॉस पर किसी बुरी आत्मा का असर है और हमें तांत्रिक को बुलाना चाहिए। हाँ, लगता है बॉस ने हवालात में किसी भूत प्रेत को देख लिया था। नहीं, बॉस ने तो मुझे देखा था। मजाक छोड़ो, उसी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, तांत्रिक को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाओ। तांत्रिक, डॉक्टर को बुलाओ। एक मिनट, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा बॉस का क्या हाल है? मेरे ख्याल से इन्हीं से पूछना चाहिए कि किसे बुलाना है। तुम ही पूछ लो। मैं ठीक है। क्या करें बॉस, किसे बुलाएं? डॉक्टर को या तांत्रिक को? भाई बॉस तो मना कर रहे हैं। ऐसा करो, दोनों को बुला दो। वैसा हो जाए, कभी छुप जाए, नजर ना आए।